दुनिया भर में करीब 7 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 33,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से इटली में अभी तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में संक्रमण के फैलने से लेकर अभी तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यहां रोजाना 60 मौतें हो रही हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में भारी तादाद में नोट सड़कों पर पड़े हुए हैं। लोगों का दावा है कि कोरोना से हुई त्रासदी देख इटली के अमीर लोगों ने नोट सड़कों पर फेंकने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अधिकतर देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर इस वायरल पोस्ट को लेकर जानकारी शेयर कर रहे हैं। मंगलवार को फेसबुक पर इटली में नोट फेंके जाने की बात ट्रेंड में चली थी। अब इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है और कैप्शन में लिखा जा रहा है कि इटली के लोगों ने सारी दौलत अब सड़कों पर फेंक दी है। लोग अब सड़कों पर नोट फेंकना शुरू करेंगे। अब इस बात की कितनी सच्चाई है, हमने इस तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने के लिए गूगल पर सर्च किया। ये फोटो वेनेजुएला देश की तस्वीर है, जहां ये नोट लीगल टेंडर में नहीं रह गए थे। वहां सभी पुरानी बोलीवर नोटों की जगह 2018 से नई नोट बोलीवर सोबेरानो जारी कर दी गई और पुरानी का कोई मतलब नहीं रह गया, बिल्कुल एक कागज के माफिक। इसलिए लोगों ने ये नोट सड़कों पर फेंक दिए थे। ये भारत में हुई नोटबंदी के जैसा ही था। ये फोटो वैसे भी 1 साल पुरानी है और इटली की तो बिल्कुल भी नहीं है। गूगल पर इस बारे में बहुत सी रिपोर्ट मिली, लेकिन वायरल पोस्ट से इस तस्वीर को कोरोना त्रासदी से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। इस तस्वीर और करेंसी का कोरोना और इटली से कोई भी लेना देना नहीं है। कोरोना वायरस से जोड़कर लोग फर्जी खबरें और जानकारी फैला रहे हैं, जिससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो पीपल्स, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और इस तरह की जानकारियां लगातार आपको मिलती रहें। धन्यवाद।